मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। प्रदेश के 10 मार्ग अभी भी बंद हैं। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे बाढ़ का पानी उतरने तक इंतजार करें और इन मार्गों पर यात्रा का रिस्क ना लें। जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ के हालातों की जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि भिंड, मुरैना और श्योपुर में अभी पानी थोड़ा बढ़ा है, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बाकी इलाकों में बाढ़ का पानी घट रहा है। चंबल में बढ़ते हुए जल स्तर पर भी हम पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हमने पहले ही राहत शिविरों में पहुंचा दिया है। केवल चंबल, भिंड, मुरैना और श्योपुर, वहाँ पानी अभी थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बाकी इलाकों में बाढ़ का पानी घट रहा है। चंबल में बढ़ते हुए जल स्तर पर भी हम पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। हमने पहले ही नीचे स्थान पे जो लोग थे उनको वहाँ से हटा के राहत शिविरों में लेके आ गए हैं। आज ये संभावना है कि शाम से, दोपहर के बाद मुरैना में और शाम से भिंड में भी चंबल के पानी में, चंबल का पानी गिरना शुरू हो जाएगा।